प्रीत बिहार थाना क्षेत्र में एक ही रात में 20 से 25 एसी के कॉपर के पाइप काटे चोर ने। मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत बिहार इलाके में इस गुरु आनंद नगर के अंदर एक ही रात में 20 से 25 एसी आउटडोर के कॉपर के पाइप काट लिए गए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर अकेला ही इस वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं जब लोगों से बात हुई तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पाइप की कीमत चोर की नजर से देखी जाए तो 100 से 200 रुपए है, लेकिन वहीं जब इस एसी की रिपेयरिंग करवाई जाती है तो 3 से 4 हजार का खर्च आता है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपने एसी रिपेयर कराए लेकिन अगले दिन फिर वही चोर आता है और फिर वारदात को अंजाम देकर चला जाता है। सीसीटीवी में चोर की शक्ल साफ दिख रही है और पास में ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। वहीं लोगों की माने तो आए दिन चोरी होती रहती है। अब देखना ये होगा कि यह चोर पुलिस की गिरफ्त से कितने दिन तक दूर रहता है। भाई साहब, मेरी दुकान के कम से कम 2 बार एसी चोरी हो चुके हैं और एसी नहीं, एसी के पाइप कॉपर के चोरी हो चुके हैं। एक बार कराया फिर दोबारा चोरी हो गया, उसमें कम से कम एक बार में 3,500 रुपये खर्चा आता है। अब 2,000 में 7,000, अब तीसरी बार हमें दोबारा लगवाने की हिम्मत नहीं है। अब सोच रहे हैं लगवाने का फायदा नहीं, दोबारा चोरी हो जाएंगे। पुलिस वाले को मालूम है कौन चोर है कौन चोर नहीं है। मोहल्ले के अंदर कम से कम 25-30 एसीयों के कॉपर पाइप निकल चुके हैं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। मर्ड एरिया सरकारी है, उसका भी पाइप चोरी हो गया। इधर केमिस्ट है, कुमार केमिस्ट है, उनके चोरी हो गए। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कुछ है, मतलब कि चोर बाजार इतनी होगी पूछो मत। आज कॉपर के पाइप चोरी हो रहे हैं, कल मोटरें जो होती है पानी की जल बोर्ड की, वो भी चोरी होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि एक चोर आ रहा है, उसकी फ़ोटो भी आ रही है, तो उसके बावजूद क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? पुलिस काम करना चाहती नहीं है। पुलिस को जहाँ से प्राप्ति है, जहाँ से पैसा मिलता है, वहाँ काम करती है। वो जो चोर है वो ढाई गिरा है, उन्हें पैसे तो देने नहीं है। वो कह रहे बेवजह हम सरदर्दी क्यों लें, इसको गिरफ्तार क्यों करें। इसी चक्कर में हमारे लोगों के, हमारी कॉलोनी के लोगों के बहुत नुकसान हो रहे हैं। अच्छा भरोसा, एक बात और बताइए कि वो जो पाइप होगा वो कितनी कीमत होगी जिसकी वो बेच लेता होगा? वो कम, अगर एक एसी का पाइप चोरी अगर होता है कॉपर का, तो उसकी मैक्सिमम 200 रुपये सेल वैल्यू है। और अगर हम लगवाएंगे उसको ना करते करते 3,500 का खर्चा हमारा, यानी कि वो 200 रुपये के चक्कर में आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा, 4,000 का हमारा नुकसान हो रहा है। अब बताओ क्या करे आदमी। और नाम भी पता है पूरे मोहल्ले को, और नाम बताया भी हमने पुलिस वालों को क्या नाम है इस बंदे का। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पता है पुलिस वालों को, पूरे मोहल्ले को पता, लेकिन कोई उस बंदे पे कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे क्या हुआ है आपके यहाँ? यहाँ जी ऊपर के जो एसी है उसका, उसकी पाइप निकाल ली। आपके क्या घर है यहाँ पर? नहीं जी। क्या है आप? डेयरी है जी, मेरा डेयरी। अच्छा, मेरा डेयरी है जी। तो ये कब की वारदात है? ये हो गए 11 तारीख के हेरफेर में जी। तो कुछ पता लग पाया कि कौन था? नहीं सर, कुछ पता नहीं लगा जी। यहाँ के झुग्गी वाले हैं जी, कोई यहाँ पीछे ये पार्क है, इसके पीछे ही चार गांजे वाले बैठते हैं, वही है जी सर। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, क्या हुआ है एक दिन पहले यहाँ पर? सर जी, हमारी घर की मोटर और मीटर दोनों चोरी कर लिए गए। उसके बाद हमें पता लगा कि आसपास कई लोग एसी के जो कॉपर वाली पाइप होती है वो भी काट ली गई है और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या पता, कुछ पता लगा है कि कौन है जो सर? झुग्गियों के ही है ये लोग, ये पीछे जो अंगद नगर का जो पीछे झुग्गियाँ हैं वहीं से हो रहा है। तो क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी आपने? सर मैंने ऑनलाइन FIR कर दी थी। जो पता होते हुए भी इस चोर को पकड़ा गया क्या? सर कई जगह उसको, उसमें CCTV में उसको पता भी लगाया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। वर्मा साहब, कब से ऐसी ये चोरी जो है हो रही है? मेरे एसी के बाहर का पाइप, आउटर का पाइप 5 तारीख को चोरी हुआ, फिर उससे आगे 8 तारीख को मेरे पड़ोस वाले का चोरी हुआ, उससे पहले हमारे पड़ोस में ड्राई क्लीन वालों की दुकान है, उसके ऊपर घुस करके वहाँ से मोबाइल और लैपटॉप ले गया। और दिन पर दिन यहाँ पर चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ मदर डेयरी है, मदर डेयरी का पूरा पाइप ले गए उखाड़ करके, और इसी तरीके से रोज़ चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। एसी के आउटर का पाइप काट के ले जाते हैं वो बाहर से बाहर, और ये मोस्टली 3 बजे से और 5 बजे के बीच में आते हैं ये लोग। तकरीबन कितने एसी होंगे जिनके पाइप काटे गए? कम से कम 20-25 एसीयों के पाइप काट लिए गए हैं, किसी के 2-2 बार काटे गए हैं। एक बार उन्होंने ठीक करा लिया फिर दोबारा काट लिया। कम से कम मतलब ऐसा कि एक बार का इसको ठीक कराने में 3,500 से 4,000 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि सारी गैस लीक हो जाती है, पाइप कट जाते हैं, तो फिर वो पाइप
और जो पाइप वो काट के लेकर जाता है उसकी वैल्यू मुश्किल से 100 या 150 रुपये कुल ही बनेगी बस। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।